मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं इमरान सैफी, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं विंडोज 7 के अंदर कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज आप सीखोगे कि जो हमारा जो ऑप्शन होता है, जो हमारी जो फाइल होती है, उसको कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। तो आज हम आपको सिंपल तरीके से और शॉर्ट तरीके से आज हम आपको समझाने जा रहे हैं कि जिन लोगों को कॉपी पेस्ट करना या एक फाइल को दूसरी फाइल में ट्रांसफर कैसे करते हैं, आज हम आपको वो चीज़ समझाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारी इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो द्वारा कुछ जरूर सीखिए। तो आज हम जो कॉपी पेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, वो आज आप सीखिए। तो सबसे पहले हमें डिस्प्ले के ऊपर हमारा एक फोल्डर पड़ा हुआ है जिसको हमें कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए यह मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी को ओपन करते हैं और उसके बाद हमारे पास एक फोल्डर है, इस पे जाके हमें ये अपना जो कर्सर है इसको शो करना है और एक राइट बटन होता है, राइट बटन करके कुछ ऑप्शन हमारे ओपन हो जाते हैं और यहाँ से जाके हमें इसको कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए कॉपी करके हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं फाइल को, और हमें इस फाइल को हमें कंप्यूटर के अंदर डी लोकल डिस्क ड्राइव में हमें इसको पेस्ट करना है और हमें जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके उसके बाद हमें ये फाइल पेस्ट करनी है। पेस्ट करके आप देखोगे कि जो हमारी फाइल जो थी वो हमारी ऑटोमेटिक पेस्ट हो गई है। तो आपको ये जो है, ये आप कर्सर जो आप माउस द्वारा आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं शॉर्टकट। तो शॉर्टकट के लिए हमें वो फाइल अपनी ओपन करनी पड़ेगी जो फाइल हमारी पहले से ही है। इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करके हमें इसको, हमारे पास शॉर्ट की हमें याद होनी चाहिए। अगर हमें कंप्यूटर का अगर हमें एक्सपर्ट बनना है तो हमें दोस्तों शॉर्ट की हमें याद होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शॉर्ट की याद करोगे तो आप कंप्यूटर के मास्टर कहलाओगे। तो इसके लिए हमें कंट्रोल सी करते हैं। कंट्रोल सी करके फिर हमें बैक करके हमें फिर वहीं जाना है। हमें इसमें जाके फिर हमें डी ड्राइव के अंदर हमें जाके कंट्रोल वी करना है। तो ये हुआ हमारा कंप्यूटर के सिस्टम ही कॉपी करना। अदरवाइज हमें कोई फाइल अपनी हमें पेन ड्राइव में अगर तैयार करनी है तो हमें इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। जो हमारी विंडो ओपन हुई है हमें इसे क्लोज करके हमें अपनी जो हमने पेन ड्राइव लगाई हुई है अपने सिस्टम के अंदर उसे ओपन करना पड़ेगा। ओपन करके इसको मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करके और हमें ये फोल्डर जो है हमें जो हमारा 123 के नाम से है इसे हमें कंट्रोल सी करके और हमें अल्टर टैब द्वारा हमें अपनी फाइल वही ओपन करनी है जो फाइल हमें पेन ड्राइव है हमारी जो पेन ड्राइव है पेन ड्राइव में जाके हमें कंट्रोल वी करना है। तो जो हमारी फाइल पहले से ही हमारी जो सेव है, हमारी जो पहले से इस नाम की कोई फाइल सेव है, तो हम इसको विंडो में जाते हैं अपनी, इसमें ये हमारी जो पेन ड्राइव है दोस्तों ये हमारी ओपन हो गई है। तो हम यहाँ जाके कंट्रोल वी करोगे तो जो फाइल है हमारी वो हमारी इसमें कॉपी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज आपने क्या सीखा कि हमें एक फाइल से दूसरी फाइल पेन ड्राइव या अपने सिस्टम में किस तरह से कॉपी करते हैं। इसी तरीके से हम अपने मोबाइल के अंदर भी अपनी फाइल, अपना जो फोल्डर है, हम उसको कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको सिंपल तरीके से हमने आपको कॉपी पेस्ट करना सिखाया है। हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। मैं इमरान सैफी,